वाहे गुरु 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 वाहे गुरु।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद व्यामी माई सतगुरु न पाया सतगुरु न पाया साधक सेती मन बचिया बदनिया राग परिवार कन्या शब्द का बढ़िया शब्दों का काब हरि के राव मान जी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन मेरे तू सदर हो मेरे नाते हरनाद हो तू मन मेरे रूप सागर सारना अंगीकार योगे तेरा कार्य संस्कारना सबना गण समरथ स्वामी सो क्यों मन बसारे कह नानक मन मेरे साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करतन रहे सब किश रहे जिसरे सो पावे सदा सर्वत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जनके मन बसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मिलाया धारो साच नाम आधार मिलाओ जिन भुखना सब गवाइया कर शांत सुख मरियाए वसया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान की तंग बिटो जिस दिया वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मिलाया पंच शब्द कर सभाग्य कर सभाग्य शब्द बचे जन करिया पंच दुर्लभ बस कीते काल चंद कुमारिया तुर कर्म पाया सर्जन को से नाम मार के लागे कह नानक तै सुख हुआ आनंद समावट पाकियो सगल मनोरथ हुए पार ब्रह्म प्रभ पाया करे सकल सूरे लोग रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साधन करे सके पूरे बोले जानी सुनते पदित कर दे भगत सत गुरिया कर दूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद दूरे सुनते पदित कर दे भगत सत गुरिया कर दूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे सब तेरी दास तुम माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा मैं सूतक मेरे होए न जान मैं तुम्हारा सगल समगरी तुम रह सूतर तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुम्हारी गत मैं तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी उदया के अरदास हमारी जीओ पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी
बड़ियाई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरा ता कौ बिघ्न ना को लागे जन की प्रभु आगे अरदास अरदास है को अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाक श्री भगवती जी की पाठ सारी दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास तय हुई सहाए अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जय जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए घर नौन दयावै ताए सब थाई हुंजी सहाए दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी साहब थाई हुंजी सहाए दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दी दाता ध्यान करके बोलो जी पंजां बियारियां चौहां सरदारियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वल सकिया देख चलाई देख वाही देख सुन के अंडट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघियां ने धर्म हेत सी दित्ते बंद बंद कटाए खोपड़ियां बहाइयां कड़कड़ियां ते कड़े किनारियां नाल करवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने इंगारिया सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत देख तेग पते विरद की पैर पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान भवेक दान विसाओ दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे पूंगे जुगो जोगिया टल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा पवाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दी जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुली दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान ने ताणिया दे तान न्योटिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती है कि आप जी ने महान कृपा कीती है इस वेले आप जी दे दरदा ओट आसरा लेंदे हुए सच्चे पातशाह मक्की मथुरा दी समूह संगत अते लोपो नगर दी समूह संगत वलों रल मिल के सच्चे पातशाह सरबत दे भले लई सच्चे पातशाह जो किसान मजदूरां दा संघर्ष चल रहा है उन्हां दी चढ़दी कला सुख शांति अते सफलता लई सच्चे पातशाह तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहब नाल श्री जप जी साहब जी दे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ कीते जाण लगे हन आप जी ने कृपा करनी समूह पाठी सिंघां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के सुध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दा बल उद्यम प्रेम बख्शना इसे तरह समूह संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के सुध सेवा करन दा बल उद्यम प्रेम बख्शना सच्चे पातशाह
समूह संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, संगतां विच मेहर प्यार अथवात बख्शना, सिखी जीवन बख्शना, नामदान दी बख्श करनी, परिवारां दे विच सुख शांतियां बरतौणियां, लोको नगर दे सच्चे पासा अंग संग सहायो के कृपा करनी, मेहर भरिया हथ रखना, माल मनुखी तंदुरुस्ती बख्शनी, फसल वाली दी चढ़दी कला करनी, सच्चे पातशाह समूह संघर्ष लड़ रही संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, आपस विच मेल प्यार अथवात बख्शना, सुख शांतियां बरतौणियां, संघर्ष दे विचों सफलता बख्शनी, सरबत दा भला करना, सच्चे पातशाह जिन्हां मनोकामना भावना नूं मुख भाव रखदियां होइआं समूह संगतां वल्लों श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कीते जाण लगे हन, ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਸਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖੜ
सुख मेरा गौ बदनी की घटनी जिया के कहनी मैं मनी अवर जतन कर बोते तैन तैल नहीं कीमत अमृत नाम निर्मोल कीरा गुर दीनो मतानी डिगे न डोले दर करहे ओ पूरन हुई त्रिपतानी ओज जो बीच अमतम कशन होते कन की बात मिलानी अलंकार मिल तैली हुई है प्रगट ज्योत सहज सुख सुभा बाजे अनंत बानी को नानक ने चल कर बांधियो गुर कियो बंधानी प्रगट ज्योत सहज सुख सुभा बाजे अनंत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गौर कियो बंधानी वाहिगुरु जी का खासा वाहिगुरु जी के हरे जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजनी सहबन गुर प्रसाद जपक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच सोच सोच न हो गई जी सोची लख बार चुप चुप न हो गई गे लायर नवेदार कक्या दुख नौकरी जी बन्ना फुरिया भार साहस सयाणप लख होए ताई तन चले नाल गिन सजियाला होइए गुरु पूरे टुटे पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुकमी होवन आकार हुकम कहिया जाई हुकमी होवन जिया हुकम लबड़ियाई हुकमी उत्तम नीच हुकम लग लग सब पाई है इतना हुकमी मगर शीस एक हुकमी सदा पवाई है गुरार एक दिन बजाई सबन जिया
ਕਰਿ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਦੁਖ ਤਾਰੇ ਆਰਿ ਨਾ ਮੋਦਕ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਨਾਲਾ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੁਰ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕਿਰਤ ਜਾਗੇ ਲੇ। ਜੇ ਸੁਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਸ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੋਸਤ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਗੁਣ ਦੇਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝੇ ਜੇ ਦਸ ਗੁਣੋਂ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਵੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣੇ ਧਰ ਤਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣੇ ਦੀਪ ਲੋ ਅਪਾਤਾਲ ਸੁਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦ ਸੁਣੇ ਮੁਖ ਸਾਨ ਮੰਦ ਸੁਣੇ ਜੋਗ ਜੋਗ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣੇ ਸਾਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣੇ ਪੜਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣੇ ਜੁਗ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਗਾ ਸੁਣੇ ਸੇਵ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ਼ਾ ਸੁਣੇ ਅੰਦੇ ਪਾਵੇ ਰਾਵ ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਵੇ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣੇ ਜੁਗ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਰਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਸ਼ਤਾਈ ਭਗਤ ਕਲਪਨਾ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਮਨੇ ਕਾਵਰ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ ਮਨੇ ਸਬਦ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੋਧ ਮਨੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਮਨੇ ਮੂੰਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮਨੇ ਜਪ ਕੇ ਸਾਧ ਨ ਜਾਏ ਸਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ ਮਨੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਨ ਪਾਏ ਮਨੇ ਭਗਤ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮਨੇ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਪੰਥ ਮਨੇ ਤਰੁ ਸੇ ਕੀ ਸੁਣ ਬੰਧ ਵੈਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ ਚੇਤਾ
जिनी नाम ते आया गरीब शक्त काल नानक ते मुख गुंजले कीर्ति सुकीना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के ऐसी गुरबाणी दे नाल परसों रोज तो जो सवंती बूंदा की वर्खा हो रही है। एक ना विद्वान सज्जन लिखते ने कहते जड़े सवंती बूंद है वह आकाश के बिचों टपकती है तो वह ये भी नहीं पता कदों टपकती है किन्ने साल बाद किस जगह पर डिगे नहीं पता पर उस सवंती बूंद के कुछ कना गुण ने कहते जे वह सुके घा ते डिग पवे तो जे उन्हों हिरन खा लवे सुके घा ते जे सवंती बूंद डिग पवे वो घा का रंग सुनहरी हो जाता है तो उन्होंने जे हिरन खा लवे उहदी नाभी चो कस्तूरी पैदा होती है तो जे किते वह बूंद कहिंदे सप ते डिग पवे उहदे विच इन्नी क समर्था आ जाती है कहिंदे वह मनी पैदा कर सकता ते जे किते वह बूंद कहिंदे गिद्दड़ ते डिग पवे वह पागल हो जाता ते उहदी मौत हो जाती है ते जे किते वह सवंती बूंद किसी मनुख ते डिग पवे फिर कहिंदे उहदी मत बड़ी उच्ची हो जाती है उहनूं रब्बी इलम हो जाता है उन्हों करते दे चरना दे नाल प्रेम बन जाता है उन्हों खुदा का ज्ञान हो जाता है ते जिहड़ी परसों रोज तो सवंती बूंदा की वर्खा इत्थे हो रही है गुरबाणी पढ़ी जा रही है वह गुरबाणी का एक शब्द भी जे अपने सीने ते डिग पवे ना हिरदे ते फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज इतों तक लिखते ने कहते एक चित कर जे एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो एक छिन मात्र भी जे करते दे चरणा दे नाल तेरा मन जुड़ गया करते दी बाणी तेरे हिरदे विच वस गई ते तेरे करोड़ा जन्मां दे पाप दूर हो जाते सो ओ बाणी दे नाल सांझ पा रहे हैं सांझी जगह ते समुचे नगर दे इस स्थान ते जुड़ के सलाना जो सरबत दे भले वास्ते जाप होया समुचे प्रबंधक वीर धंता दे योग ने क्योंकि किते भी किसी जगह भी सांझी जगह ते जप तप जग करवाउणा बहुत मुश्किल हो जाता है इस करके वो सारे प्रबंधक नौजवान वीर धंता दे योग ने जिन्हां ने मिलके नगर दे सहयोग नाल गुरबाणी दे जाप आरंभ करवाए आओ वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल सांझ पाईए उपरंत गुरबाणी च कुछ शब्दां दी आपां सांझ पाउणी है एकाग्रता बना के जुड़न दा यतन करिए सतगुरां दी गोद अंदर जुड़ के आपां दुनियावी गल्लां दी सांझ नहीं पाउणी थोड़ा समा है गल्लां करन नूं अपने कोले बहुत समय हुंदे ने वड़ियां विधियां बन जांदियां इस करके गुरु दी गोद अंदर आपां गुरु दी गल ही करिए तां बहुत वधिया होवेगा समा भी सफला सवास भी सफले शरीर भी सफरा ते मन भी सफला इस करके एकाग्रता बनाईए समरथ गुरु सिर हथ तरयो समरथ गुरु सिर हथ तरयो समरथ गुरु सिर हथ तरयो समरथ समरथ गुरु
समराथ गुरु सिर हक तारे ओ समराथ गुरु समराथ गुरु सिर हक तारे ओ समराथ गुरु सिर हक तारे ओ समराथ गुरु सिर हक तारे ओ समराथ गुरु समराथ गुरु सिर हक तारे ओ 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 समराथ गुरु सिर हाथ तारियो समराथ गुरु हा समराथ गुरु सिर हाथ तारियो समराथ गुरु हा समराथ गुरु सिर हाथ तारे ओ समराथ गुरु सिर हाथ तारे ओ समराथ गुरु सिर हाथ तारे ओ तारे ओ समराथ गुरु सिर हाथ तारे ओ समराथ गुरु सिर हाथ तारे ओ Thank you.
निस्वास एक समान त्याग सुनाव सुने सुत पान डरो सम्राट गुरु सम्राट गुरु सिर हाथ तारियो
रामदास गुरु हर सत कियो समरात गुरु समरथ गुरु सिर हाथ तरो सतगुर मेरा सदा प्याला मोहे दीन को राख लिया शब्दी सच जान रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु समरथ गुरु सिर हाथ तरयो तरयो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो समरथ गुरु सिर हाथ तरयो समरथ गुरु हा समरथ गुरु सिर हाथ तरयो कृपा प्रभु दीन दयाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला कर कृपा प्रभु
कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओटा तेरी ओटा पूर्ण गोपाल कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाला सगले प्रत पारे जी जंत सगले प्रत पारे शरण परियो शरण परियो नानक हर द्वारे कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओटा पूर्ण गुरु की कृपा होवे मत्थे दे अति चंगे पाग लिखे होण फिर गुरां दी गोद अंदर बह के हर जस सरवण करन दा समा प्राप्त होंदा नेक कर्म होण चंगे कर्म होण सौखे शब्दां च कह दे मां कि फिर गुरां दी हजूरी अंदर जुड़ के हर जस सरवण करन दा सुनन दा फिर एक ते भाग बनता है उत्तम कर्मां दी निशानी है सतगुरां दी हजूरी अंदर जुड़े आ थोड़े जुड़े आ पर जुड़े प्रेम नाल बहुत प्रेम का सबूत दिंदे हुए हाजरी लवा रहे हैं आपां सतगुरु महाराज नूं किसी नेक कार्य वास्ते धन पदार्थ भी दे दिंदे आ माया भी दे दिंदे आ ते जिथे गल आउंदी है ना समा देण दी वह तो आप कन्नी करता जाए गुरु नानक देव महाराज जी के पावन गुरबाणी अंदर संगत नूं बहुत महानता सत संगत कैसे जानी है जिथे एको नाम बखाणी जे चंगी संगत होवे तां चंगे गुण मिल जांदे ने जे संगत चंगी ना ना होवे फिर जो कुछ कोले होवे वह भी गवा ले
एक दिन गुरु नानक देव महाराज जी दे पावन इतिहास पंथ प्रसिद्ध ढाडी ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी भमद्दी वह सरबण करवा रहे थे। मैनू संगत दे प्रथाए कुछ क इतिहास चो उन्होंने लाइना सांझियां कीतियां मैनू याद है। वह जो कि संगत की गल चलती है वह अगे आ खड़ती है। गुरु नानक देव महाराज ते भाई मरदाना जी कहिंदे सागर दे कंढे ते तुरे जांदे सी जदों उदासियां कीतियां। ध्यान देना मैं बहुता समा नहीं लाउणा, तकरीबन 11 बजे तो 5-7 मिंट उत्ते अरदास कर लैणी है। सो कहिंदे जदों सागर दे कंढे ते तुरे जांदे सी ना उत्थों इक सागर दे कंढे तों इक बेड़ी चली, बेड़ी तुरी वो बेड़ी दे विच 20-25 शरीर बैठे हो ते सतगुरु नानक देव महाराज कहिंदे मरदानिया ये जिहड़ी बेड़ी आ ना ये दूसरे कन्ने ते पार नहीं लगेगी, ये डुब जाएगी। इत्थे बड़ी वधिया एक रचना उन्हां दी लिखी हुई मैनू, ये बेड़ी मरदानिया सागर विच डुब जाएगी। कहिंदे मरदानिया बेड़ी पार नहीं लगे भी डुब जा। भाई मरदाना कहिंदा सतगुरु महाराज तुसी अपनी रसना तो जो भी कहने हो सच हो जाता है, कृपा रख। 20-25 शरीर प्राणी बैठे ने बेड़ी दे विच, दुआ है कि पार लग जाएगी। कहिंदे नहीं मरदानिया उन्हें पार नहीं लगना। मरदाना कहिंदा महाराज क्यों नहीं लगना? कहिंदे भी बेड़ी दे विच इक ना करते दी होंद तो टुटिया होया मनुख बैठा, एक किरत कण बैठा। ओ गल्लां कर रहा ते ओदे अंगारा पर रहे ने जिहड़े बैठे ने। किरत कण बंदे नूं इन्ना क माड़ा आख्या होया, सौखे शब्दां च कह देवां किरत कण उहनूं कहिंदे ने जिहड़ा कीता होया किसे दे गुण नूं भुला दे, किसे दे कीते हुए गुण नूं भुला देना उहनूं अकिरत कण कहिंदे। ते कहिंदे इहदे विच अकिरत कण बैठा है। कहिंदा महाराज बैठा तां इक आ ते दूसरियां दा कोई कसूर नहीं, इवें नहीं चाहिए। सतगुरु महाराज कहिंदे मरदाना ये बात दा तैनूं ना अगे चल के जवाब दे। अगे गए, समा बीतिया, विश्राम करन वास्ते कहिंदे प्रधाई भाई मरदाना जी पै गए, उन्हां दी अख लग गई ते सतगुरु महाराज ने कुछ थंधा उन्हां दी लत ते ला दिता। ते थंधे ते कीड़ियां दा आउणा सुभाविक है। जदों कीड़ियां उत्थे आईयां उन्हां चों इक कीड़ी ने जो दंदी वड्डी उहनूं पेन होई, दर्द होया ते उहने सुते पए ने उत्ते हाथ मारिया ते 20-25 कीड़ियां मर गईं। सतगुरु कहिंदे मरदाना की हो गया? कहिंदा महाराज भी मेरे इन्हां विच्चों इक डंग मारिया कीड़ी ने लड़ गई तां करके तकलीफ हुई। कहिंदे भी इक ने मारिया जां सारियां ने? कहिंदे इक ने मारिया। फिर बाकियां दा की कसूर सी? कहिंदा महाराज उह तां नाल बैठियां सी, उन्हां ने तां मरना ही सी। सतगुरु कहिंदे बिल्कुल मरदाना इसे तरह तरीका लाली गल दा जवाब है कि जदों किते उदां दे बंदे दी संगत करांगे वो आप भी डुबेगा, लै भी डुबेगा। बहुत एग्जाम्पल इदा संसार च वेखते रहिंदे आ, जदों कोई उदां दे प्राणी दे नाल कई बारी भले पुरश भी रगड़े जाते जिन्हां ने अपराध सुनिया ही नहीं हुंदा की हुंदा है, ते उहनां नूं 20-20 सालां जेलां च भोगणियां पै जांदियां। फर्क की संगत? जे संगत उच्ची है ना
जे जीवन गुरबाणी की रोशनी लैके, क्योंकि गुरबाणी इस जग में चानण करम बसै मनाए, जे तेरा जीवन गुरबाणी की रोशनी का दीवा लैके तू ज्यो रहा ना, फिर तू संगति करेगा, करेगा भी करते दे चरना। संगत चंगी है, जीवन उच्चा होगा। संगत नीवी है तो उदां दा जीवन बन जाता। एक दो बेनतियां मैं किसानी अंदोलन के संबंध अंदर भी करनी। कई दफा आपां अणजाणे दे विच सतगुरु महाराज आप अरदास अंदर पढ़ते हैं, देख के अणडिट करना, देख के अणडिट करना, कई बातां इहो जिहियां देख के अणडिट करनियां पैंदियां। उस सतगुरु महाराज ने आपां नूं इह वी इक रहत विच आखिया, बेनती है नौजवानां नूं जो भी आप मोबाइल चलाने उदे विच कुछ ना इदा जिहड़ा माड़ा प्रभाव पाउण वाली बात है वह आप ना शेयर करिया। अंदोलन के संबंध में कई दफा आप एवें शेयर करते रहने हैं, जिहड़े नाल जिहड़ी बात नाल जिहड़ी गल नाल अंदोलन अपना कामयाब हुंदा है, चंगी बात जिहड़ी है नैगेटिव नूं अनगोर कर दिया करो, खत्म कर दो, डिलीट कर दो, यह भी एक योगदान इत्थों बैठिया ने आपां पा दिया। तो कई दफा एवें ही आपां उह शेयर करते रहिंदे अगे दी अगे, होर भी बथेरियां बातां हुंदियां जिन्हां दा आपां नूं नहीं पता हुंदा है, पर हुण इस करके बेनती है कि अंदोलन के संबंध अंदर आप उदां दीआं गल्लां लिखिए, उदां दीआं गल्लां आप अगे दी अगे शेयर करिए। पिछले समय तो लैके दास का भी कोई नगर दूर नहीं, डल्ले नगर तो आ इत्थे सेवावां निभाउंदे आ, लम्मा समा निर्मला आश्रम वड्डा डेरा दौधर विखे, हुण महापुरख संत बाबा प्रदीप सिंह जी गऊशाला नहर वाली बद निकला उन्हां पावन स्थानां ते। लोपो नगर पिछले बहुत लंबे समय तो अंदोलन दे विच दिल्ली की धरती ते विशेष योगदान पा रहे, बेअंत सिख संगतां इत्थों जा रही आ रही, रस्तां बस्तां माया दे रूप च भी बहुत सेवावां वड्डियां कीतियां ते करनिया भी बनदियां, ते आपां जदों तक अंदोलन इह आपां फतेह नहीं कर लैंदे उदों तक हर एक व्यक्ति ने आपां उहदे विच योगदान पाउणा, जिवें मर्जी पा सकीए, माया दे रूप च पा सकदे आ, उत्थे जा के रह के सेवा कर सकदे आ। गए हुए जिहड़े परिवार ने गुरमुख प्यारे उहनां दे इत्थे काम धंधे च भी आपां हथ बटा सकदे, होर बड़े रूप हुंदे ने, क्योंकि वो जिहड़ी हकूमत है हंकारी हकूमत, मैनू तूफान बीला साहब दी लिखियां लाइनां चेते आ गईयां, दो मन करदा मैं वो गाई लवा, आओ सांझियां करदे आ, उपरंत फिर एक शब्द पढ़ांगे। सिखां दी ए वैर ने हकूमते एक दिन लिख देने पैणगे, सिखां दी ए वैर ने हकूमते एक दिन लिख देने पैणगे, सिखां दी ए वैर ने एक दिन लिख देने पैणगे, सिखां दी ए वैर ने हकूमते एक दिन लिख
ਦਾ ਵਣ ਅੰਗਿਆਰ ਤਿਪ ਡੁੱਲਦਾ ਦੁਰਤ ਦਾ ਵੈਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅਤ ਦਾ ਵਣ ਅੰਗਿਆਰ ਤਿਪ ਡੁੱਲਦਾ ਦੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਚੌਂਕੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟਿਆ ਕਲੰਕ ਤੂਕ ਲੈਣੀਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੂਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟਿਆ ਕਲੰਕ ਤੂਕ ਲੈਣੀਏ ਹੁਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟਿਆ ਕਲੰਕ ਤੂਕ ਲੈਣੀਏ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਮਾਰ ਚੌਂਕੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਏ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਜਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੌਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲੰਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
आओ प्यार आगे समझ चलू नंद लाल पाछे जो बीती सो बीती आगे समझ चलू नंद लाल पाछ जो बीती सो बीती आगे ना कीती पाग या साटे लिखी फकीरी सो मस्तक तर लीती आगे समझ चलो नंद लाला पछ जो बीती सो बीती आगे समझ चलो नंद लाला पछ जो बीती सो बीती मस्तक तर लीती पाग या साडे लिखी फकीर सो मस्तक तर लीती आगे समझ चलो नंद लाला पछ जो बीती सो समझ चलो नंद लाला पछ जो बीती सो बीती
ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਜਾਂ ਵਾ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਛ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਛ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ ਪਛ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਕਰੀਏ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਰੋਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸੁਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਥੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਤੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ ਸਦਾ ਗੁਰਵਾਨ ਕਿਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵੜਿਆਈਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ
संतु शब्द दलू प्यारू साचा नाम मेरा यादारू बाजी पंच शब्द तित कर सपागे सब दवाजी कराजित कर धारिया पंच दूत तदवास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कहला कह नानक कै सुख हुआ नित करे अनहद वाते अंत सुनो वट पागी हो सगल मनोरथ पूरे हर ब्रह्म प्रभ पाया तेरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साधन पे सर से पूरे दुरते सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आपर पूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहर तूरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रा दोयदाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे तर्म हदूर करमी आपो आपणी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया प्रेम सकत कार नानक ते मुख उजले केते शुति नाल जिनी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले किते छुटी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड साव तेरी तुम मात पिता गम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुखक कोए न जाने तुमरा अंत उच्चे ते ऊचा पग सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते गोए सो आज्ञा तुमरी गत मैत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर तुद आगे अरदास मारी जियो पिंड साव तेरा कहो नानक साव तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने जी मेरा वाहिगुरु 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 तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखराज ता को बिघन ना को लागे जा की प्रवागी अरदास अरदास एको अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सगाए वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासें हुई सगाए अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जय डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध्यावै ताए सब थाई हुंजी सगाए दसवां पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई हुंजी सगाए दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दी दार दा ध्यान धरके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां सहजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देग चलाई तेग वाही देख सुन के अंडट कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी
जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत से दते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चड़खड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी तहां तहां रख्या रियायत देग तेग फतेह विरद की पैर पंथ की जीत श्री साहब जी सगाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान भावेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शने स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सुहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरद्वारियां गुरुधामां दी जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाण्या दे मान नेताण्या दे तान न्योट्या दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आओ आप जी दी हजूर अरदास बेनती है कि आप जी ने महान कृपा कीती है परसों रोज तो लै करके समूह संगत सच्चे पासा पत्ती मक्की मथुरा दी समूह संगत वालों लोपो नगर दी समुचियां संगतां दे सहयोग दे नाल तुरकी बाणी आई तैन सगली चिंत मटाई जी दे सरबत दे भले लई अते जो किसान मजदूरां दा संघर्ष चल रहा है उन्हां दी जित लई उन्हां दी चढ़दी कला सुख शांति वास्ते श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए सन इस वेले आप जी ने महान कृपा की है संपूर्ण गुरबाणी पढ़ के भोग पाए गए आ सच्चे पातशाह सो पाठी सिंघां कोलों गुरबाणी दे जाप करदे आ अखर ला कन्ना वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह अगे तो शुद्ध गुरबाणी पढ़न दा बालोदम प्रेम बख्शना तीन दिनों तो समूह संगत वालों तन मन धन दे सेवा की गई है सेवा की दरते प्रवान करनी सेवा करद्या सच्चे पातशाह भुला चुका हो गई होनगियां माफ करना अगे तो शुद्ध सेवा करन दा बाल उदम प्रेम बख्शना गुरबाणी पढ़ी सुनी अते समूह संगत वालों की हुई सेवा सचखंड विखे प्रवान करनी गुरबाणी पढ़ी सुनी दा प्रभाव इस समूह संगतां दे हिरदियां ते विसाउणा समूह संगतां दे सिर ते मेहर भरिया गत रखना परिवारां दे विच सुख शांतियां बरताउणियां मेह जोल अथवाक बख्शने कारोबारी तरक्कियां बख्शनियां सिखी जीवन बख्शना नामदान दी बख्शे करनी चढ़दियां कला दे जीवन बख्शने सरबत दा भला करना सच्चे पातशाह समूह संगत वालों आप जी दे दर ते सच्चे पातशाह जो किसान मजदूरां वालों संघर्ष लड़ रही समूह संगत दी चढ़दी कला लई अरदास बेनती आप जी ने कृपा करनी समूह संघर्ष लड़ रही संगत दे सिर ते मेहर भरिया गत रखना मेल प्यार अथवाक बख्शना सिखी जीवन बख्शना नामदान दी बख्शे करनी चढ़दियां कला दे जीवन बख्शने सुख शांतियां बरतौनियां संघर्ष दे विचों सफलता बख्शनी सच्चे पातशाह लोपो नगर दे सिर ते मेहर भरिया हत रखना आपस विच मेल प्यार अथवाक बख्शना माल मनुखी फसल बाड़ी दी चढ़दी कला करनी सुख शांतियां बरतौनियां जिन्हां मनोकामना भावना नूं मुख भाव रखद्या होया समूह संगत वालों तुरकी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए सन सो भावनावां समूह संगत दियां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां
अंग संग सहाई होके कृपा करनी समूह संगतां दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां तिल फुल भेटा कीता दर प्रवान करना ते तीन दिनां तों समूह संगत दियां कीतियां होईयां दर ते सेवा प्रवान करनियां समूह संगत नूं खुशियां बख्शनियां सो आप जी नूं सुंदर पसाके पहनाए गहना पंगी कार करने सेवा कीती दर ते प्रवान करनी समूह संगतां दियां दसां नौं दियां किरत कमाईयां दे विचों इस वेले आप जी दा शुकराना करदे हुए कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर है दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद साध संगत विच वरते जो सके आप दा नाम जपे सच्चे पासा इसे तरह संगत दे सिर ते मेहर भरिया गत रख के आपस विच मेल प्यार अथवाक बख्शना अपनी सेवा दे नाल निवाजना सो इस वेले पवित्र हुक्मनामे बख्शो हुक्मनामिया ते चलण दी समर्था बख्शो समूह संगत वालों की हुई अरदास बेनती जोजड़ी आप अपने दर ते प्रवान करो समूह संगत नूं खुशियां बख्शनियां इस वेले पवित्र हुक्मनामे बख्श के संगतां नूं निहाल करो सी प्यारे मेला जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सुरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुद अगे अरदास मारी जियो पेंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा घर दूजा मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथाह लहर मह तारो तारन हारे मात गर्भ मह अपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे माधो तू ठाकर सिर मोरा इहा उहा तहारो तोरा रहाओ कीते को मेरे सम्माने कारण हार तरण जाने तू दाता मांगन को सगली दान देह प्रभ पाने खिन में अवर खिने में अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो ऊचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पे आपेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्बाणी साध संग जो तुम्हें मलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पे आपेखत ही नानक
परताप पुरख निर्वाणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ग्रंथ साहिब दी गोद विच विराजमान साध संगत अते पिंड वासी फतेह दी सांझ पाउणे आ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत दे भले लई अते दिल्ली विच जो किसान अंदोलन चल रहा है उस दी चढ़दी कला लई रखे गए परसों तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे श्री अखंड पाठां पाठ साहिब जिन्हां दे अज भोग बड़े प्रेम अते सरदा भावना सेवा नाल भोग पाए गए ने। सो समूह मक्की मथुरा पत्ती अते नौजवान सेवादारां दा बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता जिन्हां ने यह उपराला किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा तकिया क्योंकि समय के हालातों के हिसाब के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लेना जरूरी आ क्योंकि अपनी पिंड पद्धर अते अगवाड़ पत्ती पद्धर की जो भाईचारक सांझ आ समय के हालातों के हिसाब के नाल घट रही आ। सो नौजवानों ने अते मक्की मथुरा पत्ती ने यह बहुत बड़ा उपराला किया ता कि सारी पत्ती की एक सांझ अते अपना जो भी प्रेम प्यार इकट्ठता लई ये आरंभ प्रोग्राम कराए ने जो ये होने जरूरी ने। इस नाल सारे अगवाड़ पत्ती का बहुत वधिया प्रोग्राम होया। सो बधाई दे पात्र ने समूह मक्की मथुरा परिवार के ये वीर। सो बेनती आ सारे परिवारों नू कि इहो जे प्रोग्राम सारिया पत्तियां ची होने चाहिए ने ता कि अपना प्रेम प्यार भाईचारक सांझ कलयुग दे समय विच इसे तरह बनी रहे। जे आपां चंगे प्रोग्राम करांगे तां आपां नूं चंगी सिक्ख्या मिलदी आ जे आपां कोई माड़े प्रोग्राम देखांगे तां आपां नूं माड़ी सिक्ख्या मिलेगी। सो वाहिगुरू अपने जो दिल्ली किसान अंदोलन चल रहा उस विच वाहिगुरू कृपा करन कि अपने किसान वह मोर्चा फतेह करके जित प्राप्त करके अपने घरों वापस आउण। जिहड़े वीर हजे तक दिल्ली अंदोलन विच नहीं गए उन्हां नूं बेनती आ कि दिल्ली अंदोलन विच अपनी हाजरी जरूर लवाओ। माता भैणां दे वी चरणां च बेनती आ कि माता भैणां दे वी प्रबंध उत्थे तकरीबन होए ने। सो माता भैणां भी अपना टाइम कढ़दे होए इन्हां अंदोलनां विच जरूर हिस्सा पाओ क्योंकि जिहड़े अंदोलनां विच साडियां माता भैणां बराबर खड़दियां ने वह अंदोलन कदे अज तक फेल नहीं होए। सो माता भैणां नूं भी बेनती आ ते वीरां दे चरणां च भी बेनती आ जिहड़े वीरां ने हजे तक हाजरी नहीं लवाई वह दिल्ली धरनां च जरूर हाजरी लवाओ। सो वक्ख वक्ख अगवाड़ां दीआं मीटिंगां हो रहीआं ने सारे अगवाड़ां च मीटिंगां हो के अड्डो अड्डे अगवाड़ां नूं जिम्मेवारियां दित्तियां जा रहीआं ने। सो बेनती आ मक्की मथुरा अगवाड़ नूं भी कि कुछ दिनां दे विच विच अपनी पत्ती दा इकट्ठ करके दूजे अगवाड़ां दी तरह आपां भी मक्की मथुरे दे अगवाड़ दी मीटिंग रख के इस अंदोलन च अपना बनदा हक वाईए तां कि अपने पिंड विच अठ तों नौ अगवाड़ ने। जे आपां वक्ख वक्ख अगवाड़ां चों
8 तो 10 दिनों की खातर 10 तो 12 व्यक्ति भेजते हैं तो तकरीबन अपनी 2 तो 2.5 महीने बाद अगवाड़ की बारी आएगी। सो जरूर अपनी बेनती प्रवान करना ते सारे गवाड़ तकरीबन 5 तो 6 गवाड़ा च ये मीटिंग होके मते पै चुके आ। 3 तो 4 गवाड़ हजे बाकी ने। सो उन्हां नूं बेनती आ भी जरूर इन्हां संघासां विच हिस्सा पाओ, अपने अपने गवाड़ च अपने गवाड़ की जिम्मेवारी समझदे हुए जरूर पहुंचो ता कि अपना हरेक का फर्जा ये किसी जिहड़े मूहरे किसान जुनिया लगे उन्हां दा फर्ज नहीं, ये समुचे पिंड वासियां दा फर्ज आ। जिन्ने भी पिंड दे वीर बजुर्ग माता भैणा अते समुची पंचायत अते सैपुरी दे सेवादार पहुंचे आ उन्हां दा समुचे गवाड़ वल्लों अते नौजवानां वल्लों तहे दिलों धन्नवाद कीता जांदा। तां कि इक बेनती आ सारे पत्तियां नूं कि आपां भी इहो जिहे उपराले करिए, इहो जिहे प्रोग्राम करिए तां कि अपनी भाईचारक सांझ बनी रहे। साडे पत्ती दे नौजवानां ने भी इस प्रोग्राम नूं देख के यह उपराला करन दा मिथिया। सो बहुत वधिया अंत विच समुची मक्की मथुरा अते नौजवानां दा पिंड लिमों अते समुचे परिवारां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने इहो जे उपराले कीते आ। ते अगे वास्ते भी नौजवानां नूं बेनती आ कि आउंदे साल ये प्रोग्राम जरूर करिया करन तां कि आउण वाली पीढ़ी आउण वाले बच्चों नूं मोबाइल कंप्यूटरां तों पासे हट के गुरु दे चरणा दा अते गुरु दी ओट दा पता लगे भी गुरु दी सेवा ते गुरु दी भावना की आ। जे आपां इहो जे प्रोग्राम करांगे तां ही उन्हां नूं इहो जी सिक्ख्या मिलूगी। सो इन्नियां ही बेनतियां करदा होया मैं खिमा दा जाचका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत माता भैणा वीर बजुर्ग जिन्हें इतने पहुँचे आ सारे बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिहड़ी साडी इत्थे नौजवान जिन्ने बंदिया ने काम करिया बहुत वधिया इन्होंने उपराला करिया इकट्ठे हो के सारिया ने गुरु ग्रंथ साहब की ओट आसरा लिया खंड पाठ साहब कराया बहुत इन्हों का धन्यवाद है। जिहड़ी माइया भैणा ने सेवा करी आ इत्थे 3 दिन बहुत वधिया सारी संगत ने 3 दिन पूरा सहयोग दिता बहुत उन्हों का ही धन्यवाद करते हैं। हुण साडी इह बेनती आ भी जिनी अपनी संगत सारी धड़कों गुरद्वारा साहब जाती आ ओह यही अरदास करया करो भी जिहड़े साडे किसान धरने दे विच बैठे आ ओह उत्थों जित प्राप्त करके पंजाब नूं खुश हो के जकारे छड़दे आउण। साडी यही बेनती आ सारी संगत का धन्यवाद करदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। इस संबंध में आप बेनती की जाती है कि जो लखा सिंह ने बोलिया है इस तरह ही बाकी अखबारों के जो किसान यूनियन के मैंबर वालों अपने अखबार अपने अपने अखबारों के दिल्ली धरने जाने वास्ते ड्यूटियां लगाई गई इस तरह ही अपना अखबार भी अपने रोजबार नौजवान आगुओं को चुन के इस तरह अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के पार्टीबाजी से ऊपर उठ के ये संघर्ष लड़ा जाए ता जो अपने आने वाली नस्ल फसल अपने पीढ़ियों अगले बच्चों आप कामयाब कर सकी उन्होंने भविष्य सवार सकी। आज किसान यूनियन के प्रधान हरदीप सिंह ने जरूर अपनी प्रोग्राम के हाजिर होना सी यूनियन के प्रोग्राम करके उन्होंने बाहर कितने जाना पै गया इस करके उन्होंने वालों माफ़ी मांगते हैं।
अपने वार्ड की आप दसा जाएगा मीटिंग रखी जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तिन सगली चिंत मिटाई ए तुर्की वाणी आई, तुर्की वाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई ए तुर्की वाणी आई, ए तुर्की वाणी आई। इस वाणी दे जल में डिठे कौड़े रीठे होवन मिठे, कौड़े रीठे होवन मिठे। इस वाणी दे जल में डिठे कौड़े रीठे होवन मिठे, कौड़े रीठे होवन मिठे। रीस कोई ना कर सकती ये हो, रीस कोई ना कर सकती ये। सत पात मिठाई तुर्की वाणी आई, तुर्की वाणी आई। तिन सगली जंत मिटाई तुर्की वाणी आई, तुर्की वाणी आई। इस वाणी दे मैं बलिहारे तप दे तेल कड़ा है ठारे, तप दे तेल कड़ा है ठारे। इस वाणी दे मैं बलिहारे तप दे तेल कड़ा है थारे, जी तप दे तेल कड़ा है थारे। आदम खाने जदरा किश ते हो, आदम खाने जदरा किश ते। नदर मेहर दी पाई तुर्की वाणी आई, ए तुर्की वाणी। तिन सगली चिंत मिटाई वाहे गुरु ए तुर्की वाणी आई, ए तुर्की वाणी आई। गुरमुख प्यारे जदों गुरु नानक देव जी तुर्की बाणी मरदाना जी गायन करन लगे, लै सुर दे विच गायन करदे सी, सार फुल्लां दी गिरज की जाने जड़ी मुर्दे खामन वाली, सार फुल्लां दी बुलबुल जाने जड़ी साफ दिमागां वाली। जो सुर लै दे विच मरदाना जी कीर्तन करदे तां सज्जन ठग वर्गे कौडी राक्ष वर्गे नूर शाह वर्गियां जादूगरनियां बली कदारी हंकारी नेक इंसान बना दिते इन्हें तुर्की बाणी ने। ठगानू सज्जन कर सकदी पंजे ते पर्वत है डकदी, पंजे ते पर्वत है डकदी। ठगानू सज्जन कर सकदी पंजे ते पर्वत है डकदी, पंजे ते पर्वत है डकदी। बाबर वर्गे जरवाणी हो, बाबर वर्गे जरवाणी। जिसने तौण चुकाई तुर्की वाणी आई, ए तुर्की वाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई तुर्की वाणी आई, तुर्की वाणी आई। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया कोई अदा। कोई बोले राम राम, अल्लाह राम रहीम खुदा तू
कोई रब से कोई दतार कहता, कोई वाहेगुरु आके याद करता, कोई जपे से सत करतार कहता, दीन दयाल भगवान कोई आखता है, भगत बशल कोई परवतगार कहता, ईश्वर गॉड प्रभु कोई कहे तेनू तेनू डाढ़ा तूफान संसार कहता। असल में तीन चीजा के जेड़े पाए वो तीन चीजा केड़िया जेड़िया रब तो दूर रख दिया। वाहेगुरु
ਹੋਇਆ।